निखरी सुबह में जब मेहनत जगमगाती है, हमारी मिट्टी से खुशबू आती है, हर दाना उगाता है सोना, तो मुस्कुराहटें रंग बिखराती है। यूं नन्ही कलियां सर उठाती है, हमारी मिट्टी से खुशबू आती है। जिद्दत, मयार और तहकीक से बनी FFC की बेहतरीन क्वालिटी खादें सोना यूरिया, सोना DAP और SOP, हर खेत लगे सोना। काश्तकार भाइयों, हम आपकी रहनुमाई के लिए सोना यूरिया बनाने वाले इदारे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तैयार करदा फिल्म धान की काश्त पेश कर रहे हैं। FFC पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। FFC अपने सोना यूरिया प्रिल्ट और सोना यूरिया नीम कोटेड के साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के तैयार करदा सोना यूरिया ग्रेनुलर और सोना DAP की तरसील व तकसीम के फराइज भी सरंजाम दे रहा है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद करदा FFC DAP, FFC SOP, FFC MOP, सोना जिंक और सोना बोरान खादें भी मुहैया कर रही है। इस तरह फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड सालाना तकरीबन 42.5 लाख टन खादें अपने 3600 से जायद डीलरों के जरिए पूरे मुल्क में काश्तकारों तक पहुँचा रही है। FFC आला मेयार की खादों की फराहमी के साथ साथ काश्तकारों को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी पहुंचाकर फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए 5 फॉर्म एडवाइजरी सेंटर्स के तहत मुल्क भर में तैनात ज़रई माहरीन काश्तकारों को ज़रई तौसी, मिट्टी और पानी के मुफ्त तज़िये की सहूलियात के साथ साथ खेतों पर नुमाइशी प्लाट लगाकर अमलन तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। FFC के ज़रई माहरीन साल भर में फसलों के मुख्तलिफ मराहिल पर रेडियो पाकिस्तान और FM चैनल्स पर काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़रई प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं और काश्तकारों के मसाइल के हल तजवीज़ करते हैं। धान पाकिस्तान की एक अहम नकद आवर फसल है। पाकिस्तान की आबो हवा और ज़मीन धान की फसल के लिए बहुत मौजू हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क की औसत पैदावार कम है। मगर हमारे बहुत से तरक्की पसंद काश्तकार धान की मुल्की औसत पैदावार से तकरीबन 2 गुना ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि दीगर काश्तकार भी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी को अपनाकर धान की फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब हम आपको धान की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने वाले जदीद ज़रई अवामिल से रोशनास कराते हैं। धान की काश्त के लिए चिकनी या चिकनी मैरा ज़मीन का इंतखाब करें। ताहम धान की फसल कलराठी ज़मीनों में भी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। पनीरी की काश्त के लिए तंदुरुस्त, साफ सुथरा, बीमारियों से पाक, तस्दीक शुदा और 80% से जायद उगाव वाला बीज इस्तेमाल करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लिए धान की मंजूर शुदा इकसाम ये हैं। धान की हाइब्रिड इकसाम का इंतखाब FFC के ज़रई माहिर या महकमा ज़रात के मशवरे से करें। पनीरी की काश्त आम तौर पर ज़मीन की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए कद्दू, खुश्क या राब के तरीके से की जाती है। आप अपनी ज़मीन की मुनासबत से मौजूं तरीके से इन औकात में पनीरी काश्त करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में छोटे कद वाली इकसाम 20 मई से 7 जून, लंबे कद वाली इकसाम 7 जून से 25 जून, शाहीन बासमती और किसान बासमती 15 जून से 30 जून तक काश्त करें।
بالائی سندھ میں موٹی اقسام 1 مئی سے 15 جون، زیری سندھ 20 اپریل سے 10 جون اور بلوچستان میں 20 مئی سے 30 جون تک کاشت کریں، جبکہ ہائبرڈ اقسام کا موزوں وقت کاشت 20 مئی سے 15 جون تک ہے۔ پنیری کی کاشت اپنے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سے 3 قسطوں میں کریں تاکہ منتقلی کے وقت اس کی عمر 25 سے 30 دن تک ہو۔ ہمیشہ سفارش کردہ ترقی دادہ اقسام کا صاف ستھرا اور تندرست بیج جس کا شرح اگاؤ 80% سے زیادہ ہو استعمال کریں۔ پنیری کے طریقہ کاشت کی مناسبت سے موٹی اور ہائبرڈ اقسام کے لیے 1 تا 2 کلوگرام بیج فی مرلہ، جبکہ فائن اقسام کے لیے 0.5 سے 1 کلوگرام بیج فی مرلے کے حساب سے کاشت کریں۔ دھان کی فصل کو بکائنی اور پتوں کے بھورے دھبوں والی بیماریوں سے بچانے کے لیے بیج کو سفارش کردہ زہر لگا کر کاشت کریں۔ اگر پنیری کدو کے طریقے سے کاشت کرنی ہو تو 2 سے 2.5 گرام زہر فی لیٹر پانی میں حل کر کے بیج کو 24 گھنٹے کے لیے اس میں بھگو دیں۔ اس کے بعد بیج کی چھوٹی ڈھیریاں بنا کر گیلی بوریوں سے ڈھانپ دیں۔ بیج کو دن میں 2-3 بار ہلا کر پانی کا چھٹا دیتے رہیں تاکہ بیج خشک نہ ہونے پائے اور گرمی سے بھی محفوظ رہے۔ اس طرح بیج 36 سے 48 گھنٹے میں انگوری مار لے گا۔ اب یہ بیج کاشت کے لیے تیار ہے۔ پنیری پر تنے کی سنڈی اور ٹوکے کے حملے کی صورت میں سفارش کردہ دانے دار زہر کا استعمال کریں۔ اگر پنیری کمزور نظر آئے تو 1 پاؤ سونا یوریا فی مرلے کے حساب سے پنیری کی منتقلی سے 10 دن پہلے چھٹا کریں۔ کاشتکار بھائیو، ہماری زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی فصلوں کی پیداوار میں کمی کی اہم وجہ ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے جنتر بطور سبز کھاد بہتر نتائج دیتا ہے۔ سبز کھاد کے لیے اگائی گئی جنتر کی فصل کو لاب کی منتقلی سے 2 ہفتے قبل روٹاویٹر کی مدد سے زمین میں دبا دیں اور گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے 0.5 بوری سونا یوریا فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا کریں۔ پنیری کی منتقلی کے لیے زمین کی تیاری 3 طریقوں سے کی جاتی ہے: کدو یا تر طریقہ، جزوی تر طریقہ اور خشک طریقہ۔ کاشتکار بھائیو، آپ اپنی زمین کی خاصیت، پانی کی دستیابی اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک طریقے سے زمین تیار کریں۔ 25 سے 30 دن کے بعد پنیری منتقلی کے قابل ہو جاتی ہے۔ پنیری اکھاڑنے سے قبل کھیت کو پانی لگا دیں تاکہ پودوں کی جڑیں ٹوٹنے سے محفوظ رہیں۔ پنیری منتقل کرتے وقت پودے سے پودے اور قطار سے قطار کا فاصلہ 9 انچ رکھیں۔ 1 سوراخ میں 2 پودے لگائیں۔ اس طرح 1 ایکڑ میں پودوں کی مطلوبہ تعداد 1,60,000 فی ایکڑ حاصل ہو جائے گی۔ پنیری کی منتقلی کے لیے آج کل میکینیکل ٹرانسپلانٹر بھی دستیاب ہیں۔ پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد کے حصول کے علاوہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر پنیری کی منتقلی کی وجہ سے میکینیکل ٹرانسپلانٹر آج کل کاشتکاروں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ دیگر کاشتکار بھی پنیری کی منتقلی کے اس جدید طریقہ کار سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پنیری منتقل کرتے وقت پانی کی گہرائی 1.5 انچ ہونی چاہیے اور پھر 25 سے 30 دن تک پانی کی سطح بتدریج 3 انچ تک بڑھا دیں۔ فصل کے منجر نکلنے کے بعد دانے بھرنے تک کھیت تر وتر حالت میں رکھیں۔ اس طرح فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے اور پانی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ فصل کے پکنے سے 15 سے 18 دن پہلے پانی دینا بند کر دیں۔ پانی کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم پانی سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے AWD ٹیوب کا استعمال ایک نہایت فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے۔ اس طریقے سے زمین میں موجود پانی کی مقدار کا مشاہدہ کر کے آبپاشی کی جاتی ہے، جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ منافع بخش پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کا متناسب اور بر وقت استعمال بہت ضروری ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی قائم کردہ مٹی اور پانی کے تجزیے کی جدید کمپیوٹرائز لیبورٹریوں میں تجزیہ کردہ تقریباً 600,000 نمونوں کے مطابق ہماری تقریباً 100% زمینوں میں نائٹروجن، 92% سے زائد زمینوں میں فاسفورس اور 50% سے زائد زمینوں میں پوٹاش کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اجزائے صغیرہ کے لیے تجزیہ کیے گئے 15,000 سے زائد نمونوں کے نتائج کے مطابق 85% زمینوں میں زنک جبکہ 60% زمینوں میں بوران کی کمی ہے۔
धान की फसल से बेहतर पैदावार के हुसूल और फसल को मुख्तलिफ इकसाम के दबाव से बचाने के लिए खादों का मुतवाजन इस्तेमाल नागुजीर है और इस ज़िम्न में 4R हिकमत अमली के 4 बुनियादी उसूलों यानी सही खाद का सही मकदार, सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल पैदावार में यकीनी इजाफे का ज़ामिन है। खादों का मुतवाजन इस्तेमाल पौधों की निशोनुमा और बढ़ोतरी के अमल को बाकायदा करता है और इसमें कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है जिससे फसल में कीड़ों, बीमारियों और मुख्तलिफ इकसाम के दबाव से मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाती है। हमारे मुल्क में धान की कम पैदावार की वजूहात में से एक बड़ी वजह खादों का गैर मुतवाजन इस्तेमाल है। धान की फसल में खादों के मुतवाजन इस्तेमाल के लिए आप भी अपनी जमीन का तज़िया करवाने के लिए करीबी सोना डीलर, FFC हेल्पलाइन 0800-00-332 या फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के करीबी ज़रे माहिर से राब्ता करें। मैं पिछले कई साल से धान की फसल काश्त कर रहा हूँ। फसल काश्त करने से पहले FFC की लेबोरेटरी से अपनी जमीन का तज़िया करवाता हूँ और FFC की सिफारिशात के मुताबिक खादों के इस्तेमाल से धान की भरपूर पैदावार ले रहा हूँ। दीगर काश्तकार भी FFC की इस मुफसलत से फायदा हासिल करके अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपनी जमीन का तज़िया नहीं करवाया तो खादें इस तरह इस्तेमाल करें। धान की फाइन इकसाम के लिए 1.5 बोरी सोना DAP, 1 बोरी FFC SOP या 0.25 बोरी FFC MOP और 0.25 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। मोटी और हाइब्रिड इकसाम के लिए 0.25 बोरी सोना DAP, 1.25 बोरी FFC SOP या 1 बोरी FFC MOP और 1.25 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। धान की तमाम इकसाम में सोना DAP, FFC MOP या FFC SOP पनीरी की मुंतकली से पहले डालें। फाइन इकसाम में 0.5 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के वक्त और बकिया सोना यूरिया 2 बराबर एक साथ में पनीरी की मुंतकली के 25 और 50 दिन बाद इस्तेमाल करें। मोटी इकसाम में 0.25 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के वक्त और बकिया सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के 30 या 35 दिन बाद डालें। हाइब्रिड इकसाम में 1/4 बोरी सोना यूरिया पनीरी की मुंतकली के वक्त और बकिया सोना यूरिया 2 बराबर हिस्सों में पनीरी की मुंतकली के 3 और 6 हफ्ते बाद डालें। ख्याल रहे सोना यूरिया की दूसरी और तीसरी किस्त डालते वक्त खेत कीचड़ की हालत में हो और छट्टा करने के फौरन बाद पानी लगा दें। काश्तकार भाइयों, धान की भरपूर पैदावार के लिए जिंक और बोरान का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। बोरान के इस्तेमाल से दानों की तादाद और मूंजरों की भराई में बेहतरी से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। लिहाजा 3 किलोग्राम सोना बोरान फी एकड़ पनीरी की मुंतकली के वक्त दूसरी खादों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। सोना जिंक के इस्तेमाल से धान की फसल का बढ़ोतरी का अमल बाकायदा तरीके से जारी रहता है। नीज शाखें और कोंपलें ज्यादा बनती हैं। भरपूर पैदावार के लिए 7.5 किलोग्राम सोना जिंक फी एकड़ पनीरी की मुंतकली के 10 से 12 दिन बाद खड़े पानी में छट्टा करें। मैं पहले धान की फसल में सिर्फ यूरिया और DAP ही इस्तेमाल करता, लेकिन मेहनत करने के बावजूद पैदावार तो से बहुत कम होती थी। इस बात का हल तलाश करने के लिए मैंने FFC के जहरी मारीन से रबता किया तो उन्होंने मेरे खेतों की मट्टी के नमूने लिए। लेबॉरेटरी में टेस्ट किए तो पता चला मेरी ज़मीन में पोटाश और अज़ाय सगीरा की भी कमी हो चुकी है। लिहाजा मैंने तजिया रिपोर्ट के मुताबिक FFC की पोटाश खाद, सोना जिंक और सोना बोरान का इस्तेमाल किया तो पैदावार में खासा खा इजाफा। याद रहे कीमियाई खादों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती लिबास, मास्क, दस्तानों और ऐनक का इस्तेमाल करें और खाद के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह साबुन से धो लें। धान की काश्त आम तौर पर बजरिया पनीरी की जाती है, लेकिन पानी की कमी और लाभों की अदम दस्तयाबी की वजह से धान की बजरिया बीज बराह रास्त काश्त मकबूल हो रही है, क्योंकि इस तरीके से न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि पौधों की फी एकड़ तादाद भी पूरी रहती है। धान की बराह रास्त काश्त करने के लिए इन उमूर का खास ख्याल रखें। ज़मीन की तैयारी मई के दौरान खुश्क हल चलाकर करें और फिर ज़मीन को हमवार करके पानी लगाएं और वत्तर आने पर ज़मीन तैयार करें। मोटी इकसाम के लिए शरह बीज 14-16 किलोग्राम और फाइन इकसाम के लिए 10-12 किलोग्राम फी एकड़ रखें।
बासमती इकसाम में 2 बोरी सोना यूरिया, 1.5 बोरी सोना DAP और 1 बोरी FFC SOP या 0.25 बोरी FFC MOP, जबकि मोटी इकसाम के लिए 2.5 बोरी सोना यूरिया, 1.5 बोरी सोना DAP और 1 बोरी FFC SOP या 0.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। सोना DAP, FFC SOP या FFC MOP की पूरी मकदार बुआई के वक्त डालें। 0.25 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ बुआई के 30-35 दिन बाद जड़ी बूटियां मुकम्मल तल्फ करके डालें और उसके बाद फसल की जरूरत के मुताबिक 0.5-1.5 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। यूरिया की बकिया मकदार बुआई के 55-60 दिन बाद इस्तेमाल करें। जिंक और बोरान की कमी की सूरत में सोना बोरान 3 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त और सोना जिंक 7.5 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के 18-20 दिन बाद इस्तेमाल करें। बराहे रास्त काश्त में फसल को पहला पानी बुआई के 5-7 दिन के बाद लगाएं और उगाओ के बाद 30 दिन तक तर वत्तर और फिर वत्तर का पानी लगाएं। नुकसानदेह कीड़ों के इंसिदाद के लिए दानेदार जहर डालने के बाद 3-4 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें ताकि जहर अच्छी तरह असर कर जाए। लाभ मुंतकिल करने या बराहे रास्त काश्त के बाद 1 माह के दौरान खेत का जड़ी बूटियों से पाक होना बहुत जरूरी है। धान की बराहे रास्त काश्त की सूरत में खेत में पानी खड़ा ना होने की वजह से जड़ी बूटियों का उगाव ज्यादा होता है, इसलिए काश्त से पहले दोहरी रावनी करें और वत्तर आने पर हल चलाएं, इससे काफी हद तक जड़ी बूटियां तल्फ हो जाती हैं। जड़ी बूटियों के कीमियाई कंट्रोल के लिए FFC के ज़रई माहरीन के मशवरे से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान धान के तने की सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी और सफेद पुष्ट वाले तेले से होता है। काश्तकार भाई अपनी फसल का हर दूसरे या तीसरे दिन मुआयना करें, क्योंकि ये कीड़े बड़ी तेजी से फैलते और नुकसान करते हैं। काश्तकार भाई कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग के बाद नुकसान की माशी हद को देखते हुए FFC हेल्पलाइन 0800-00-332 पर कॉल करके ज़रई माहिर के मशवरे से कीड़े मार जहरें इस्तेमाल करें। धान की फसल पर बकायनी, पत्तों का जरासीमी झुलसाओ, धान का भपका, तने की सड़ांट और भूरे धब्बों वाली बीमारियाँ ज्यादा हमलावर होती हैं। धान का भपका या ब्लास्ट जाहिर होने पर सिफारिश करदा फफूंदी कुछ जहर स्प्रे करें और 15 दिन के वक्फे से ये अमल दोहराएं। इसके अलावा गोब की हालत से लेकर सिट्टा निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क न होने दें। पत्तों के जरासीमी झुलसाओ के हमले से बचने के लिए खेत में गोब से लेकर पकने तक वत्तर का पानी लगाएं और बीमारी जाहिर होने पर सिफारिश करदा जहर का स्प्रे करें। फसल की कटाई के लिए वक्त की मुनासबत बहुत जरूरी है। जब मुंजर के ऊपर वाले दाने रंग बदल चुके हों और नीचे वाले चंद दाने हरे भी हों तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल जमीन के करीब से काटें। बेहतर है कि धान की कटाई कबूटा हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर से करें ताकि पैदावार का ज़िया कम हो और कटाई भी जल्द मुकम्मल हो जाए। कबूटा हार्वेस्टर से कटाई की सूरत में धान की पराली मुकम्मल हालत में हासिल होती है और इसकी फरोख्त से इजाफी आमदन हासिल की जा सकती है। काश्तकार भाइयों, आप हमारी बताई गई सिफारिशात पर अमल करके धान की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई दरकार हो तो FFC की हेल्पलाइन 0800-00-332 पर कॉल करें। काश्तकार भाइयों, आप फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की मजीद ज़रई खिदमात से मुस्तफीद होने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.ffc.com.pk पर मौजूद काश्तकार डेस्क से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जहां पर मौजूद है जदीद ज़रई लिटरेचर, जदीद काश्ती उमूर पर मबनी अहम फसलों की ज़रई फिल्में, हमारी साल भर में छपने वाली ज़रई रिपोर्ट्स और आपके इलाके में मौजूद हमारे ज़रई माहरीन के राबता नंबर्स। निखरी सुबह में जब मेहनत जगमगाती है, हमारी मिट्टी से खुशबू आती है, हर दाना उगाता है सोना, तो मुस्कुराहटें रंग बिखराती है,
यूं नन्ही कलियां सर उठाती है, हमारी मिट्टी से खुशबू आती है। जिद्दत, मयार और तहकीक से बनी FSC की बेहतरीन क्वालिटी खादें सोना यूरिया, सोना DAP और SOP, हर खेत लगे सोना।